बेबी। अरे साहब आप। अरे वर्षा तू, सॉरी मुझे लगा काजल है, तूने ये काजल के कपड़े क्यों पहन रखे हैं? साहब वो ना काजल दी ने मुझे कपड़े दिए थे। I'm really sorry, मुझे लगा काजल है। कोई बात नहीं। अच्छा ये बता काजल का है? वो आपके दोस्त के साथ बाहर गई है। मेरे दोस्त के साथ? देखो आप ना मेरा नाम मत लेना प्लीज, आपकी बीवी ना आपको धोखा दे रही है। क्या मतलब? मतलब ये कि आप जब से बाहर टूर पे गए हैं ना, आपका दोस्त डेली घर पर आता है। तू सोच के तो बोल रही है ना, कि तू क्या बोल रही है? साहब मैं सच बोल रही हूँ। देख एक बात ना कान खोल के सुन ले, अगर ये बात झूठी हुई ना तो उसे बहुत बड़ा इल्जाम लगा रही है, मैं तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। देखो मैं ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, और मुझे पता था आप बिलीव नहीं करोगे, इसीलिए ना मैंने वीडियो बनाया है। ये देखो आप। हे तुम कब आए? इस बार बहुत देर लगा दी। है वैसे तुम 2 दिन बाद आने वाले थे। क्यों जल्दी आ गया? तो तुझे प्रॉब्लम हो रही है? नहीं, तुमने मुझे कहा था कि 2 दिन बाद आऊंगा। थक गया हूँ। वर्षा देख कब चाय बना दे मुझे। जी साहब जी। वो मुझे कॉल करनी है, मैं अभी आती हूँ। सुनो हमें अपना प्लान चेंज करना पड़ेगा, वो घर आ गए। साहब ये लो चाय। वाह इतना परेशानी होने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि एक आदमी के लिए बहुत बड़ी बात है कि उसकी बीवी उसे धोखा दे रही है, लेकिन ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही करना चाहिए जैसे वो हमारे साथ कर रहे हैं। क्या मतलब? मतलब साहब मैं यहाँ ज्यादा बात नहीं कर सकती, एक काम करते हैं आप ना मुझे पार्क में शाम को मिलो। ठीक हाँ बोल क्या कह रही थी तू? अरे साहब मैं ये कह रही थी कि आपको भी मैडम के साथ वैसे ही करना चाहिए जैसे उन्होंने आपके साथ किया, तब उनको पता लगेगा कि अपना जब कोई ऐसा करता है तो कैसा लगता है। क्या मतलब मैं भी किसी और लड़की के साथ? नहीं नहीं साहब आपको कुछ करना नहीं है, आपको बस उनको दिखाना है। लेकिन ऐसी लड़की मैं कहाँ से लाऊंगा जो मेरा इस काम में साथ दे दे? आपको तो मैं आपका साथ दे सकती हूँ इसमें। सच में? हाँ हाँ बिल्कुल, अब साहब आपका नमक खाया है आपके लिए इतना तो कर सकती हूँ ना। ठीक है फिर ऐसे ही करते हैं। उसने मुझसे बोला है कि वो कल बाहर जाने वाली है, तुम आ जाना। ठीक है साहब। वर्षा हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे ना? नहीं साहब हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हो तुम दोनों? काजल क्या काजल और कब से चल रही है? अच्छा तो तुम्हें बुरा लग रहा है, दुख हो रहा है तुम्हें, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम मेरे ही पीठ पीछे मेरे दोस्त के साथ में गुलछने उड़ा रही थी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं बकवास कर रहा हूँ? मैं बकवास कर रहा हूँ? कहते हो कि मेरे जाने के बाद रोज ही घर नहीं आया करता था? आज मैं क्या बोल रहा है? तू चुप रह, जब तुझसे बोलने के लिए कहा जाए ना तू तब बोलियो। और तू कह रही है कि वीडियो झूठी है। ये वीडियो तूने बनाई है ना? इधर बात कर, इधर मुझसे बात कर। आजम मैं प्रेग्नेंट हूँ। अच्छा बात इतनी बढ़ गई कि तू उसके बच्चे की माँ बनने वाली है? आजम तुम ये कैसी घिनौनी बात कर रहे हो, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। और जब तुम ट्रिप पे गए थे तो हितेश मेरे साथ था, जब मुझे ये बात पता चली तो एक्साइटमेंट में उसको गले लगा लिया था। पर तुम्हें तो पता ही है ना जितना अच्छा दोस्त वो तुम्हारा उतना अच्छा दोस्त वो मेरा भी है। हम दोनों तो बस प्लान कर रहे थे कि तुम्हें कैसे सरप्राइज दे, इसलिए वो रोज घर आता था। क्या? हाँ तुम किसी और पे बिलीव करने से पहले ना तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए थी। काजल I'm sorry, I'm really sorry। वो तो इसने मुझे ऐसी वीडियो दिखाई कि मेरा दिमाग उससे आगे जा ही नहीं पा रहा था, बस
मुझे ऐसे लग रहा था तुम गलत हो, तुम मुझे धोखा दे रही हो। बट आई एम रियली सॉरी। देखो इस बंद कमरे में हम दोनों जरूर थे, लेकिन मैंने इसे हाथ भी नहीं लगाया है। शायद मैं गलत हो जाता, लेकिन एंड टाइम में तुमने मुझे बचा लिया। आई एम रियली सॉरी काजल। ओ साहब, बहुत देर से देख रही हूँ आपका ये नाटक। मुझे नहीं पता आपका क्या होगा, मुझे मेरा हिसाब कर दो। तुम्हारा हिसाब? हाँ, ये नाटक करने का पूरे 50,000। और अगर मुझे तुमने सीधे सीधे पूरे 50,000 नहीं दिए ना, अब ये पूरी सोसाइटी को ना इकट्ठा करके बुला लूंगी और ये नाम लगाऊंगी कि तुमने मुझे हरेस किया है। मैंने तुम्हें हाथ भी नहीं लगाया है। कौन मानेगा तुम्हारी बातें? कमरा तो बंद था, पुलिस को जो मैं बोलूंगी ना पुलिस वही बातें मानेगी। इसलिए सीधा सीधा मेरे 50,000 रुपए दो तो अपने रास्ते में अपने रास्ते। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, एक लड़कियों के इतना घिनौना काम। पहले तो तुमने मेरे खिलाफ भड़काया, हम झूठा इल्जाम लगा रही हो। ओ मैडम, ये फालतू की ना बकवास नहीं चाहिए मुझे। सीधा सीधा 50,000 रुपए दो, वरना तेरा ही हस्बैंड ना सीधा जेल में। तुम्हें पता है मैं प्रेग्नेंट हूँ, ये बात तुम्हें बताने के लिए हमने पूरे घर में कैमरे लगाए थे ताकि हम तुम्हारा रिएक्शन देख सके। मुझे नहीं पता था कि ये कैमरे इसकी सच्चाई देखने के काम आएंगे। हितेश, अरे मेरी इतनी जिंदगी में काम आ गई है, अब पुलिस को तू नहीं मैं बुलाऊंगा।